बजे आओ तो कौन सा ड्राइवर। अरे एक बार, अरे मैं पीछे तो बैठ रहा हूं। आप लोग सब्सक्राइब करोगे इसके लिए मैं हैंडल कर रहा हूं और इधर जरूर आना। काटा तो रेहान खान को नो बरचुक हमारे तरफ से पहले ही बोल रहा हूं मैं भाई, देने के बाद बोल रहा हूं। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेहान, वेलकम बैक टू द चैनल रेहान खान व्लॉग्स। सो भाई आज मैं आया हूँ दादर में, हमारे पीछे ही ऑपोजिट आप देख सकते हो शिवाजी पार्क है और हम लोग आए हैं शिवाजी पार्क के ऑपोजिट मरीन एक्वा जो कि आता है दादर फेस्ट के अंदर। और हमारे साथ कौन है इस वीडियो में, हमारे भाई करण भाई। तो ये आप लोग देख सकते हो यार, करण भाई हमारे साथ है, कैसे हो भाई जान? सब बढ़िया भाई। ओके करण भाई, इस वीडियो में क्या होने वाला है? इस वीडियो में आपको पूरा अंदर का जो जो हमारे पेट्स है, रेप्टाइल्स, मैमल्स और बाकी फिशेस तो आपको देखने मिलेंगे। हाँ जी, और मैं देख चुका हूँ यार, वीडियो ऑफ कैमरा है ना, मैंने विजिट किया था। तो ये ऐसी चीज है ना यार, आप सभी को विजिट करना चाहिए। और एंट्री फ्री है ना भाई जान? एंट्री यहाँ पे 20 रुपीज फी, 20 रुपीज है क्योंकि अच्छा। डोनेशन के लिए, मतलब जो भी रेप्टाइल्स पेट्स है उनके लिए खाना पीना लगता है उनके लिए। ओके तो ये काफी अच्छी बात है डोनेशन के लिए, तो ये मैं तो बोलूँगा आपको करना चाहिए क्यों, और इधर विजिट तो जरूर करना चाहिए। बाकी चलो चलते हैं यार, मैंने देख चुका हूँ काफी सारी प्यारी चीजें, आपको भी जरूर अभी दिखाएंगे। करण भाई हमारे साथ है और मैं देख चुका हूँ यार, करण भाई के स्टेटस देखा था मैंने, तो करण भाई खुद अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करते हैं और काफी ज्यादा पुरस्कारों से ये सम्मानित है ना करण भाई? हाँ भाई। चलो फिर अभी चलते हैं। एंड बाकी मेरे साथ है सलमान भाई, और ये सलमान भाई अभी जस्ट आए, इनको तो पता नहीं क्या विषय है ना करण भाई। सलमान भाई को बोला जैसे सलमान भाई शूट चालू कर दो, और अभी सलमान भाई को मतलब कुछ भी नहीं मालूम है अंदर कैसा है, बस इतना मालूम है कि ये गार्डन है और कुछ एग्जॉटिक स्पॉट्स हमें देखने मिले। क्यों? हाँ भाई अभी तो मुझे पता भी नहीं, मैं तो सामने देख रहा हूँ गार्डन्स, फूल्स वूल्स बाकी चीजें लगे हुए हैं। हाँ जी, अभी तो अंदर देखा भी नहीं क्या है। ओके तो चलो सलमान भाई, करण भाई चलो आपके पीछे पीछे हम चलते हैं। नर्सरी हो गई, कॉन्सेप्ट है ना इस चीज का मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा, ये अपनी एक छोटी नर्सरी हो गई। क्यों? स्टार्टिंग में आप आओगे देख सकते हो, मतलब ये चीज है ना मेरे को ऐसे अपने इंडिया में देखने की काफी ज्यादा खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है। और आगे तो बहुत सारी क्रेजी थिंग्स है आपको हम बताएंगे वीडियो, और अभी हम लोग एंट्री करते हैं। ओके सो गाइस, फाइनली हमारे साथ है मरीन जू के ओनर युवराज भाई, ये हमारे भाई युवराज भाई। और युवराज भाई माशाल्लाह ये जो है ना चीज़ मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, ये आपका जो मरीन जू है ना मुझे खासकर दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड बाकी ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर कैसा आया, विचार ये धार है? एक्चुअली मेरे जो डैडी है वो भी वर्ल्ड एफ में बहुत इन्वॉल्व है, तो उनसे वो मेरे ग्रैंडफादर भी थे, मैं मेरे पास वो सब, इसीलिए मैंने भी आगे कंटिन्यू किया। अच्छा, तो अपने पास इधर ये शिवाजी पार्क में ये प्रॉपर अपना एक मिनी जू है एक्सोटिक एनिमल्स का। ओके, अगर आप देखोगे तो बाहर आप देखोगे तो नॉर्मल इंडियन एनिमल्स के जू है। हाँ। एक्सोटिक एनिमल्स लोग पेट करके रखते हैं, लेकिन अब ऐसे किधर डिस्प्ले को आपको किधर नहीं मिलते, तो मैंने सोचा कि ये सब चीजें तो है, तो चलो एक काम करते, एक्सोटिक एनिमल्स का एक जू स्टार्ट करते। अच्छा, इस कंसेप्ट में हमने यहाँ पे चालू किया। ओके भाई वेरी नाइस यार, बहुत प्यारा लगा, मैंने इसका विजिट किया एंड आपको भी है ना ये चीज बहुत अच्छी लगने वाली। और जो हमारे मुंबईकर्स है ना डेफिनेटली इधर आइए विजिट करिएगा, आपने ऐसे एनिमल्स है ना ऐसे एग्जॉटिक पेट्स कहीं नहीं देखे होंगे, मैं दावा करता हूँ। और बाकी और ये साइड क्या है? पूरा एग्जॉटिक फिशेस का है, फिशेस का भी है अंदर। चलो ओके, नाइस, चलो फिर अभी मरीन जू कह सकते हैं ना बेसिकली अपन। देखो सावन आए रे मन, हाइसिल फ्लोरोन। अच्छा, जो अपने पास नॉर्मल आते हैं वो एसआरडी नहीं तो कैम्फर रहते हैं, इसमें से वो जैसे अपने में अल्बिनो रहता है। हाँ जी, कौन सा भी आपने, आपको हमने वो रेडियस लेटर दिखाया वैसे ही ये फ्लोरोन में थाइसिल के बहुत रेयर म्यूटेशन। अच्छा, और ये इतना भी प्लेफुल हुआ है, उसका हॉर्न बहुत ज्यादा जॉइंट है भाई, हॉर्न ही कहते हैं ना इसे ऊपर वाले, उसका नाम ही फ्लोर हॉर्न है, फ्लोर हॉर्न इसका सर ही है। और सर उसका ब्रेन रहता है, बट ये धीरे धीरे बड़ा होता है ना, एंड हमें देखने में मजा आता है, लेकिन वो एक्चुअली ट्यूमर रहता है उनके लिए, वो अच्छा नहीं है। अच्छा, तो ये इसकी स्पीशीज, हर एक फ्लोरॉन की स्पीशीज की ये उनकी खासियत है। अच्छा। स्पेशलिटी उनकी, उसी लिए उसका नाम ही फ्लावर हॉर्न है, उसको जो हॉर्न आता है। ये अभी बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा होगा, ये साइज के एंगल सबको किधर भी नहीं दिखाई देते। ये हमारे सलमान भाई एंजल राय से मिलते रहते हैं। रिएक्शन देख रहे हो एंजल। और ये देख सकता हूँ, ये है पैरट फिशेस।
अच्छा मेरे पास एक दो बड़े वाले भी है वो भी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा, उसके बाद सिल्वर शार्क है। हाँ जी। उसके बाद इसमें वो ज्वेल चिकलेट है, उसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसके बॉडी पे ना छोटे छोटे रिफ्लेक्टर्स है, टोटल इनमें 1200 स्पीसीज आती है, 1200 इनमें से ये सबसे रेयर है। और क्लोजली उसको दिखाएंगे उसके बॉडी पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर्स है। ओके चिल कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के पास रहे एकदम। हाँ जी। और देखो गाइस हम लोग है ना आपको इस वीडियो में बता रहे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इधर है ना और ज्यादा एक फन फैक्ट उनके बारे में है तो आप आओगे इधर स्पीशीज के हैं कौन से फैमिलीज के हैं। हाँ जी। उनकी लाइफ स्पैन वो आपको यहाँ पे पढ़ने को भी मिलेगा। ओके नाइस। इधर झींगा भी है क्या भाई? वो लॉबस्टर्स हैं। लॉबस्टर्स ओके हाँ बोलिए युवराज भाई कंटिन्यू। ये लॉबस्टर्स है। हाँ जी। अपने पास चार से पांच टाइप के अलग अलग लॉबस्टर्स हैं, घोस्ट लॉबस्टर, उसके बाद व्हाइट कलर के ब्लू लॉबस्टर्स है। अच्छा। अगर क्लोजली उसके अंदर हमने कोई सॉल्टेड छोड़े कोई सॉल्टेड, अपने पास उधर नॉर्मल सॉल्टेड भी है लेकिन वो कोई सॉल्टेड है, वो एक एक्सोटिक स्पीसीज है। यस। और ये वाले जो रहते हैं भाई मैं आपको बता दूं मैं इतना एक्सोटिक स्पॉट्स विजिट करता हूं, ये करता हूं, वीडियो बनाता हूं, बट वो ये चीज है ना मैं भी पहली बार देख रहा हूं, जेन्युइनली आपको बता रहा हूं। एंड ये लिविंग बींग है या एक प्लांट जैसा कुछ है? कौन सा? ये व्हाइट वाला ये एक्चुअली कॉटन है। कॉटन लॉबस्टर्स रहते हैं ना। हाँ जी। कुशलिंग के लिए वो रखना पड़ता है। अच्छा मतलब कैर में आ गए। हाँ, हाँ, मैं बोला ये भी कुछ समुंदर से उठा के लाए। उसमें जाके एग्स देते हैं, वो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें जाके एग्स लेकर। अच्छा। उनको कुशलिंग के लिए वो रखना पड़ता है। ओके चला जा भोस। पिराना जो मूवीज में देखते हैं। अच्छा ये वो है? वो ये काफी सेलिब्रिटी फिश अपने कह सकते हैं। हाँ जरूर जरूर। ये मॉन्स्टर्स फिश रहते हैं, ये दूसरे मच्छियों को और ऐसा कहते हैं कि इनमें अगर फुल ग्रोन घोड़ा जो अपना रहता है वो पानी में गिर गया और इनका पूरा ग्रुप रहेगा तो 15 मिनट के अंदर आपको घोड़े का हड्डी भी नहीं मिलेगा। क्या बात है, इतने फास्ट। मैं आपको अंदर छोटे भी है वो भी दिखाऊंगा, इनके दांत बहुत नुकीले रहते हैं। और अगर किसी ने ऐसे उंगली डाल दे तो भाई खत्म। अच्छा जब घोड़े को खत्म कर दिए तो उंगली को तो 2 सेकंड में खत्म। बात तो सही है भाई, मेरी बोलती बंद हो गई इसको देख। उसके बाद अपने पास छोटे एंजल्स है। हाँ हाँ। तो मैंने बड़े दिखाए, ये छोटे वाले। ओके के बाद अभी आपको अंदर लेके जाता हूँ, अंदर और भी कुछ मॉन्स्टर फिश होते हैं। डन डन। कौन सा फिश है भाई? ये एलिगेटर गार है। गार? ये गार एलिगेटर गार जो अपना एलिगेटर अपने को पता है मगरमच्छ वो इनसे इवॉल्व हुआ है। ये उसका भाई? नहीं, जैसे हम बंदर से बने वैसे एलिगेटर इनसे बने। ये एक प्री हिस्टोरिक स्पीसीज है, कम से कम 100-150 मिलियन साल से अर्थ पे जो स्पीसीज है उनमें से ये प्री हिस्टोरिक स्पीसीज में आती है। अच्छा। इंसानों के लिए घातक तो नहीं है? आप हाथ डालो, हाथ बाहर नहीं आएगा। भाई ओरली नहीं प्रैक्टिकल भी समझा सकते हैं। ओ देखो ओके ओके काफी एक्टिव है और रिएक्शन देख रहे हैं वो। बाकी यार मैंने सोचा नहीं था आपको ये भी देखने मिल जाएगा, मैं तो एग्जॉटिक पेट सोच के आया था। धीरे धीरे खुल रहा है। हाँ हाँ दांत देख रहा हूँ मैं, दांत खोल रहा है खाने के लिए। देख बंद हो गया कुछ तो कर भाई। तो देखो उसका रिएक्शन देखो, मतलब भूखा शेर है, भूखा मच्छी है कह सकते हैं इसे। हाँ भाई खाना देते रहो नहीं तो मालूम पड़ा मैं। गया लेकिन उसने टाइम में ये सिर्फ है ना भाई, मैं एक बात कह सकता हूँ ये शौकीन लोग ही इसे हैंडल कर सकते पा सकते। ओके हमने प्रॉपर नोटिस भी दे रखा है। अच्छा ओह उसको ये कुछ खाना डालने आता है। ये नॉर्मल आपको आरवाना पता रहेगा, इसमें गोल्डन पर्ल आरवाना है। हाँ जी। अगर आप इसके बॉडी पे देखोगे इसके बॉडी पे ऐसे गोल्डन पर्ल्स बनेंगे। ओके इसलिए इनको गोल्डन पर्ल आरवाना कहते हैं। बहुत खूबसूरत स्पीसीज है।
जो नॉर्मली किधर जाता देखने नहीं मिली, ये अल्बाइनो है और ये टाइगर ऑस्कर। आपको वेरिएशंस भी काफी देखने मिल जा रहे हैं बेसिकली। ये तो मैंने आपको बाहर वो चिली रेड छोटे ऑस्कर्स दिखाए, ये हाँ उनकी फैमिली के, ये टाइगर वो चिली रेड और ये अल्बाइनो। अच्छा, इसमें भी है, ये पूरा टाइगर ऑस्कर है लेकिन इसके आप देखोगे इसका छोटा छोटा ये। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपके बाहर पैरट फिश दिखाए ये उनमें बड़े वाले पैरट फिश है, शार्क है। हाँ जी, और अगर आप इस साइड आओगे तो इधर छोटे पिराना है। छोटे पिराना, अच्छा ये पूरा ग्रुप हो गया। हाँ, जो भी बता। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो इधर ईल है, उधर देख सकते हो ईल, वो जो इलेक्ट्रिक वाली नहीं, ये मोरे ईल रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक वाले अलग होते हैं। हाँ, सांप जैसे रहते हैं ये, मतलब ऐसा करके तो इधर भी जो मॉन्स्टर फिश में अपने जो एक्सोटिक आते हैं, एक्सोटिक में जो मॉन्स्टर फिशेस आते हैं लाइक अल्बाइनो पिराना है उसमें। जी जी, ये जो है अल्बाइनो पिराना है। ओके, उसके बाद पिकॉक बास, ग्रीन अकारा, उसके बाद एलिगेटर, जो अल्बाइनो में जो जो स्पीसीज आते हैं वो आपको इस टैंक में देखने को मिलेगी। ओके नाइस, कैसा लग रहा है सर आपको ये मुंबई में ऐसा जू विजिट करके? बढ़िया। ओके सो गाइस, अभी हमने मरीन जू तो हमारा विजिट कर लिया है, और बताइएगा कमेंट्स में आपको कैसा लगा। और युवराज भाई, अभी क्या होने वाला वीडियो में? अभी आपको मैंने जैसे बताया अपने पास एक्सोटिक एनिमल्स है, हाँ जी, मैं आपको सब अपने जो एक्सोटिक एनिमल्स है वो दिखाता हूँ। ओके नाइस, अपने पास कॉनियर्स है, अफ्रीकन लोबर्ड्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये एक्चुअली सब एक्सोटिक बर्ड्स का ही अपना सेटअप है। अच्छा, ओके, ये मैं देख सकता हूँ, मतलब प्रॉपर सेटअप भी बनाया है। एंड वो जो छोटे छोटे आई थिंक उनके हाउसेस हैं, हाउसेस उनके एक्चुअली ब्रीडिंग बॉक्स है। अच्छा, ब्रीडिंग बॉक्स है, ब्रीडिंग बॉक्स कहते हैं उसको। ओके नाइस, और क्या देख सकते हैं भाई अपन इधर? अपने पास उधर रैबिट्स है, आप अगर देखोगे। अच्छा, वहाँ पे अपने पास छोटे रैबिट्स है। ओके, रैबिट्स हो गए, एंड कॉकटेल पैरट्स भी मैं उधर देख सकता हूं। ओके नाइस, और अभी हम लोग आते हैं रेप्टाइल्स पे आते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड है रेप्टाइल का। एंड आई थिंक यही हो गया, कहीं आपने देखा नहीं होगा ये सारी चीज़ें, स्नेक्स एंड ऑल। तो मैं युवराज भाई अभी किसको बुलाना चाहता हूँ? मैं अभी अपने अमन भाई को बुलाता हूँ। okay. अमन भाई आपको और भी अच्छा क्या हो रहा है, ये हमारे सलमान खान है। सलमान भाई वो है, बट ये हमारे सलमान खान, देख सकते हो भाई का जानवरों का सलमान खान। हाँ, ये भी कह सकते हो एक्सोटिक पेट्स का। बाकी कैसे हो भाई? एक नंबर, बहुत समय बाद मिले हम लोग अमन भाई के साथ। और अमन भाई, ये मैं देख रहा हूँ यार, ये तो कुछ अलग ही जू आपने बना दिया, आप लोगों ने बना दिया। तो ये तो 24/7 रहेगा अपने लिए तो। अच्छा, 24/7 नहीं बोलते, 12 महीने बोल सकते, 24/7 तो नहीं। क्या बात है, तो एक्टिव रहता है यार। मैं तो कहूंगा कि ये चीज है ना मुंबई में मैंने आज तक कभी देखा नहीं हूँ, एंड जेन्युइनली नहीं देखा हूँ, तो इस चीज को है ना आपको सपोर्ट करना चाहिए। मॉइस्ट कोकोपीट वगैरह जैसे एनक्लोजर चाहिए होता है, लेकिन अभी फिलहाल तो एग्जीबिशन में लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए, और ये वाटर में भी कंफर्टेबल रहता है। ओके, तो इसको फिलहाल के लिए ऐसा रखा गया है, फीडिंग वगैरह प्रॉपर की गई आज ही सुबह। अच्छा, ये क्या खाते? ये नॉर्मली ऐसे छोटे पिंकीज वगैरह, ऐसे चूहे के बच्चे होते हैं वगैरह। okay. छोटी मोटी फिशेज जो रहती है वो खाकर ये लोग सर्वाइव करते। अच्छा, हाँ, कॉकरोच वगैरह, मील वर्म्स वगैरह भी खाते। Okay. मतलब समझ लो एकदम पूरा कार्निवर डाइट इसका एक तरीके से। अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अमन भाई, अलग यूनिक। हॉर्न फ्रॉग भी बोलते हैं क्योंकि उसके सर पे देखो दो सींग जैसा होगा। अच्छा, वो देखने के लिए बहुत यूनिक लगता है वैसे। नाइस, और ये पैकमैन फ्रॉग बोलते हैं ना, तो जो अपना पैकमैन का जो कार्टून कैरेक्टर रहता है उसका फेस उसके उससे बहुत सिमिलर रहता है, तो इसीलिए उसको पैकमैन फ्रॉग नाम पड़ा है। अच्छा, तो ये इसकी बिहाइंड द स्टोरी अपन कह सकते हैं क्यों। और क्या देख सकते हैं भाई अमन भाई? ये तो आपको लेपर्ड गेको देखने मिल जाएगी। लेपर्ड गेको, गेको जैसे कि मैं आपको क्लोज लुक देता इसका थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी के अंदर जमा हुआ है। ओके, लुक सामने से ले लो और थोड़ा सा मैं इसको हैंडल करता हूँ आपके लिए, रियान भाई के लिए तो अभी जान भी हाजिर है फिलहाल। बस क्या दिखा दो, थोड़ा सा मैं इसको हैंडल करके। ये देख सकते हो एक लेपर्ड गेको, एक्सोटिक स्पीशीज गेको, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। पैटर्न तो आप देख ही सकते हो कितने खूबसूरत पैटर्न है इसके ऊपर, और नेचर में ऐसा कुछ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है लोगों को, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। और मैं देख रहा हूँ यार, अभी देखो हम लोग वीडियो तो शूट कर रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं, ये अगर कोई वीडियो नहीं देख रहा है हमारे, बट इधर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी है ना,
क्यों युवराज भाई हर एक जगह पे जो भी उनका इंक्लूजर है उस पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, फैक्ट लिखा है, उसके बाद उनका टेम्परामेंट वो कहाँ से ओरिजिनेटेड है वो उसकी सब इन्फॉर्मेशन हमने सब एक्वेरियम्स पे लिख के रखी है। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। हम लोग आ जाते हैं बॉल पाइथन पे, ठीक है। पाइथन हो गया, ये जू में ना बहुत ज्यादा देखने मिल जाता है ना हमें हर जू में, बट इधर जो है ये एक्सोटिक रहेगा। एक्सोटिक है ओके, इधर जो दिखने मिलते हैं वो रॉक पाइथन रहते हैं। ये जो है ये फॉरेन का, इसको एक्सोटिक में बॉल पाइथन कहते हैं। ये डिफरेंस है ओके, जो नॉर्मल जू रहता है और एक्सोटिक जू में ये डिफरेंस रहता है। ओके नाइस, अफ्रीकन बॉल पाइथन। और इधर मैं देख रहा हूँ कि बॉल पाइथन है हमारे सामने, एंड इसके बारे में कुछ बता सकते हो? अफ्रीकन बॉल पाइथन नॉक्चर्नली बिहेवियर में, जैसे कि रात में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, दिन में इतना एक्टिव नहीं होता है, लेकिन रात में बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा। बॉल पाइथन इसको इसलिए कहा जाता है ना, हाँ? क्योंकि ये पूरी तरीके से डर जाने पर या रेस्ट पोजीशन में बॉल जैसा गोल होकर बैठ जाता है, पूरी कुंडली है। ओके। वैसे और मोस्टली ऐसा रेस्ट में वैसे ही बैठा, डिफेंसिव मोड होता है ना, डिफेंसिव मोड नहीं लेकिन एक तरीके से रेस्ट करते समय या जब भी बैठा है हाइट प्लेस में, तो गोल सा बन जाता है अपने आप को संभालने के लिए और हेड को अंदर रखता है, इसलिए बॉल पाइथन जैसा बॉल पाइथन कहा जाता है। ये देख सकते हो ये सारे फैक्ट है, आपको भी जरूर मजा होगा फैक्ट देखने में, लोगों को मजा आता है। अच्छा, इंडिया में स्नेक कीपर है उनके पास आपको बॉल पाइथन मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, जो बिगिनर पेट्स में आपको वो उनके पास मिलते ही मिलते हैं। ऐसा बेसिकली हम ये कह सकते हैं इंडिया का मोस्ट लव एक्सोटिक स्नेक है ना, इवन इंडिया का भी नहीं बाहर के वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलर बॉल पाइथन है। ओके सो गाइस, अभी हम लोग देख सकते हैं इसे क्या कहते हैं भाई, अर्जेंटाइन ब्लैक एंड व्हाइट टेगू। क्या 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 वापस, ब्लैक एंड व्हाइट टेगू, अर्जेंटाइन ब्लैक एंड व्हाइट टेगू। ओके, बहुत प्रोनाउंसिएशन हार्ड है इसके। ओहो क्या बात है, गोरपड़ रहती है। हाँ जी, इसकी ये सब स्पीशीज है, अच्छा मॉनिटर लिजार्ड की सब स्पीशीज, जो भी वही प्रोनाउंसिएशन सही पे, और मैं हूँ कॉमर्स स्टूडेंट। ये शेडिंग पे देखो, ये बहुत रेयर चीज है, देखने मिलेगा तुम्हारे को। अच्छा, एक थोड़ा सा एक डेमो दिखा रहा तुम्हारे को, ये काटता भी है क्या? अच्छा, दूर रखिए। और ये भी बता दूं, ऐसा निकालते नहीं है ये, बस वीडियो में दिखाने के लिए, हम अच्छे से बताना चाहते हैं आपको वीडियो में, इसके लिए निकाले। सलमान भाई, सलमान भाई का रिएक्शन में देख रहा हूँ। नहीं नहीं भाई, इसको हाथ में ले सकते क्या? हैंडल करेगा नहीं सर, अपने तुम्हारे यूट्यूबर को देखना ही है ना सब लोगों को। गाइस एक बात बताना, अगर अमान भाई खतरों के खिलाड़ी में पहुंच गए भाई, विनर डिक्लेयर। अभी रियान खान हैंडल करेगा नहीं, देखो मैं वीडियो लेता हूँ रियान खान का, और रियान खान अभी हैंडल करेगा। आप लोग सब्सक्राइब करोगे इसके लिए, मैं हैंडल कर रहा हूँ, और इधर जरूर आना। काटा तो रेहान खान को नो बरसुक हमारे तरफ से पहले ही बोल रहा हूँ मैं भाई, देने के बाद बोल रहा हूँ। और ये घूम क्यों रहा है यार, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे काट लेगा ये रेहान खान को आज? अरे अभी तो काटेगा, हीट चेंज है, अब तो मूवी खोल रहा है। इसका नाम क्या है? इसका टेगू, टेगू। ओके, और आप सिंपल वर्ड्स में आप टेगू बोलो, इसमें किसी भी जानवर को हार्म नहीं हुआ, हम सोच समझ कर संभाल कर जो भी कर रहे हैं। क्या बात, ओ भाई बहुत ही प्यारा, दिखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है। फायर लेग टेरेंटुला ये। क्या क्या? फायर लेग टेरेंटुला, फायर लेग। ओके, कि फायर जैसा पूरा कलर है, रेड ऑरेंज रेड। ओके, फायर लेग टेरेंटुला। ये कैमरा क्यों हिला रहा है ये लड़का? जाने तो जाने, वीडियो बनाने वो सब्सक्राइबर तो क्या बन जाए। चलो अभी रेहान खान हैंडल कर, रेहान खान तो अब मैं बोलूंगा, तो अब रेहान भाई हैंडल करेंगे। क्या बोलते भाई? तो हम बस कोशिश करेंगे, कोशिश। खतरों के खिलाड़ी नेक्स्ट बिग बॉस हो चुका है, खतरों के खिलाड़ी जरूरी है भाई। काटते हैं यो, हाथ तो बिल्कुल नहीं कांप रहा है, हाथ तो बिल्कुल नहीं कांप रहा है भाई का। कैमरा चालू है ना भाई? अभी तो थोड़ा नजदीक लो यार, फेस के तरह दिखे लोगों को। लो भाई, लो भाई। अभी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दो रेहान भाई, तुम भी, तुम्हें कैसा लगा हाथ पे रख के? मैं कैसा लग रहा है पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे तो बहुत पसंद है। खूबसूरती छोड़ दूर से पसंद है, हाथ में थोड़ा डर लग रहा है। रेहान खूबसूरती को छोड़ के अब बताओ उसमें क्या? मेल है कि फीमेल है भाई? ये फीमेल है, मोस्टली फीमेल है।
ये आपको सिर्फ एग्जॉटिक जू में ही देखने मिलेंगे ना ऐसे टेरेंटुला। और क्या कहते हैं इसे, रेड फायर लेग टेरेंटुला, क्योंकि इसका लेग जो है ना वो पूरा आग की तरह है ना भाई। अच्छा। आप लोग हैं अमन सलमान? नहीं नहीं भाई, डर लग रहा है देख कर ही डर लग रहा है। गाइस काटता वाटता तो नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, ये बचपन से है ना, बहुत छोटा था, एक इंच का भी नहीं होगा तब से। इसका एक छोटा सा डेमो भी है इसके जैसा, ये साइज का ये टेरेंटुला यहाँ पर बैठा हुआ है, वैसे ही उतना ही छोटा था जब ही आया था, और अभी देखो कितना अच्छा हो चुका है। ये इनकी आईज है कि ये सेंस करते हैं? इनकी आईज है ना ऊपर, देखो मैं क्लियर करके दिखाई दूं, ये देखो आईज दिख रही है ऊपर। एक ही है क्या? हाँ एक ही आईज है। नहीं उनको चार आईज होती है शायद से। हाँ हाँ छोटी सी है। ये अनुभव है ना, मैं तो कहना चाहता हूँ, देखो मुंबई का सीस कॉलेज भी बाजू में ही है, ठीक है। हाँ। तो जो स्टूडेंट लोग भी मेरे देख रहे हैं, मेरे काफी दोस्त हैं वो कॉलेज में, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा आपके तो बाजू में ही है, और दादर बहुत अच्छी प्लेस है, और काफी ये जो लोकेशन है ना बहुत ज्यादा प्यारी है। शिवाजी पार्क है, आपको आने में भी इजी पड़ेगा। बाकी मैंने एड्रेस एंड ऑल तो दे ही दिया हूं, और कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिए युवराज भाई का। अभी इसे रखते हैं, इसे भी ज्यादा परेशान नहीं करते। देखो कितना अच्छे चल रहा है, देखिए बिल्कुल नहीं डरता है। हाथ क्यों कांप रहा है? मुझे समझ नहीं रहा है, लेकिन बस हाथ कांप रहा है, बाकी डरता नहीं है। बाकी रेहान भाई को जानवरों से बहुत प्यार है, मैंने देखा ये चीज। जानवर कैसे ना भाई, एक बार लड़की धोखा दे सकता है, इंसान धोखा दे सकता है, लड़की इंसान नहीं है क्या भाई? वो ही जो भाई अमन भाई एड मत बोलो भाई। गाइस अभी सांप देखने जा रहे हो आप लोग, उसकी खासियत, और मैंने उसे पर्सनली रखने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ था एक गाने से, बेवफा नाम का एक गाना था इमरान खान का, और उसमें इमरान खान ने गले में उस सांप को लिया हुआ है, और बस वही सांप, उसी वैरायटी का, उसी ब्रीड का सांप आपके सामने यहाँ पर है, रेड टेल बोआ। रेड टेल बोआ, हाँ, वर्ल्ड के सबसे बड़े कंस्ट्रिक्शन स्नेक में से एक आता है, जिसे कंस्ट्रिक्शन पावर इतनी ज़्यादा है कि इंसान को गला दबोच के आराम से मार सकता है। लेकिन उसी के बारे में अवेयर भी करना चाहूँगा मैं आप लोगों को, कि ये जो है बहुत ही शांत स्वभाव का है, जब तक आपको तंग नहीं करोगे जब तक आपको कुछ नहीं करता। ये देखो सांप को एक बार सामने देख लो, कितना खूबसूरत है। ऐसे दो सांप है यहाँ पर, एक पीछे बैठा हुआ, थोड़ी एग्रेशन में आया, देखो ये देखो, ये देखो एग्रेशन में आ चुका है, गुस्सा हो चुका है, ये देखो ये शायद से स्ट्राइक कर सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। देखो देखो भाई उसके मूवमेंट देखो, एक्टिव है यहाँ पर ये भाई, देख रहा हूँ बहुत ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर इसी कोई हैंडल नहीं करता। ये इंक्लोजर देख सकते हो काफी बड़ा है, और बहुत ज्यादा परफेक्ट आई थिंक इसके लिए। ये देख सकते हो ये सब रिएक्शन देख सकते हो आप लोगों को, फैमिली भी विजिट कर सकती है। डर नहीं लगता आपको? अभी एक भाई अपने को फन फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, तो ये जो स्नेक है ना आपको इधर दिख रहा है, ये क्या है भाई बताओ? देख सकते हो ये इमरान भाई के जो बेवफा सॉन्ग है ना उसमें, और ये मीम पढ़ सकते हो आप बहुत। भाई मैं इसे टर्किश टर्की 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 बोलो, अरे नहीं टर्की चिकन है, ओके ये भी एग्जॉटिक, एक तरह का एग्जॉटिक बर्ड ही है क्योंकि इंडिया का तो नहीं है ये। हाँ जी और ये अच्छे खासे जायंट हो जाए तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज में, पहले मेरे को ऑस्ट्रिच जैसा लगा, ये बहुत ज्यादा सिमिलियर लुक है यहाँ पर इसका, बेबी ऑस्ट्रिच के बहुत ज्यादा बड़ा होता है भाई। अच्छा अपने से भी हाइट होता है। हाँ और उसमें डक्स देखो लाइन से बैठे, ये तो थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे उनको फीडिंग वगैरह कराने का पसंद है। हाँ जी रखा हुआ, इधर स्कूल के बच्चे लोग आते हैं, स्कूल की ट्रिप्स, स्कूल के बच्चे लोग वो सब आते हैं, तो उनको ये सारे डग्स है। हाँ हाँ। स्कूल में अपने को डग्स भी सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारे डग्स है, तो हाँ इसलिए उनको इंटरेक्शन के लिए खाना पीना खिलाने के लिए वो रखे। और अगर ऐसे बच्चे आते तो वो, और जो भी लोग आते हैं वो हैंड फीड कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। वेरी नाइस।